29 अक्टूबर साल 1956 की सुबह इजरायली सेना ने मिस्र पर हमला कर दिया। मकसद था सुएज नहर पर कब्जा करना, जिसका मिस्र ने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीयकरण किया हुआ था। अगले दिन फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मिस्र में अपनी सेना उतार दी। फाइटर जेट और वारशिप से बड़े हमले हुए, भयानक लड़ाई हुई, लेकिन तीन बड़ी ताकतों के सामने मिस्र कमजोर था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। उधर सोवियत यूनियन मिस्र पर एकतरफा हमले से नाराज था और उसने मिस्र के समर्थन में जंग में उतारने की बात कह दी थी। साथ ही अमेरिका भी इस हमले से खुश नहीं था, क्योंकि सुएज नहर से आने वाला टैक्स मिस्र की रोजी रोटी का बड़ा साधन था। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस पर दबाव बनाकर अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये वही वक्त था जब ब्रिटेन को महसूस हुआ कि वह एक महाशक्ति नहीं रह गया है।